दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोस पर विच इज अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। नमस्कार, एक बारी कमेंट बॉक्स पे लिखिए एम आई विजिबल टू एवरीवन, जल्दी से लिखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, एक बारी कमेंट बॉक्स पे लिखो विजिबल हूं आप सभी को, ऑडिबल हूं आप सभी को, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। 7 PM पे सेशन डेली हो रहा है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च जरूर करिएगा, सो डेट कि आपको PDF भी इसमें मिल सके, ठीक है। तो कनेक्ट करिए एक बार सारे के सारे। बहुत महत्वपूर्ण आपके वर्ल्ड अफेयर के करंट अफेयर, आज का 10 अगस्त का करंट अफेयर आ चुका है, तो जरूर जाइए वर्ल्ड अफेयर सर्च करिए और वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में आपको आज का करंट अफेयर मिल जाएगा, तो जरूर देखिए। काम का करंट अफेयर है, फ्री क्लासेस आपको मिलती रहती है, ठीक है। फ्री क्लासेस में आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको रात को 8 बजे और सुबह 10 बजे ये दो टाइमिंग पे फ्री क्लासेस अवेलेबल होती है। ठीक है, आपको मेरा प्रोफाइल फॉलो करना है और रेफर कोड यूज करना है। बाकी आपके लिए अनअकैडमी कॉम्पैक्ट भी फ्री है, संडे को ऐप पर जाइए 12 बजे और अटेम्प्ट जरूर करिए, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज है वो भी जरूर यूटिलाइज करिए, जितने बच्चे देख रहे हैं। तो आपके कोर्सेस अवेलेबल, देखिए कोर्सेस में आपको बेनिफिट किस तरीके से उठाना है। पहली बात तो कॉम्बो ज्वाइन करके, क्योंकि कॉम्बो ज्वाइन करोगे तो CET मिलेगा, यानी कि SSC, बैंक, रेलवे सब कुछ कवर होगा। फिर उसकी टेंशन नहीं रहेगी कि एक सब्जेक्ट आता है, एक एग्जाम का आता है, एक का नहीं। दूसरा, 2 साल का ज्वाइन करिए, सो डेट की आपको इसमें क्या मिले, 12 मंथ फ्री, यानी कि 2 साल का फीस दे के आप 3 साल पढ़ सको, 1 साल फ्री हो जाए आपका। तीसरा, नया बैच, आज 10 तारीख है, कल से 11 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट है, तो सबसे बेटर यही रहेगा कि आप नए बैच में ज्वाइन करें, सबसे बेटर यही रहेगा। रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन, और इस रेफर कोड से आप एक्सेस करिए, हैव अ रेफर कोड में लगा देना कैश रूम क्लिक करने के बाद, और फिर मंथ सिलेक्ट करना, आपको सारे ऑफर्स अवेलेबल। अब स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंद्रावती नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में, बताइए इंद्रावती नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में, आंसर क्या हो। बताओ, आंसर बड़ी लेट आ रहे हैं, जल्दी से शेयर करो। तो अगर मैं इंद्रावती नेशनल पार्क की अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पे, चलिए। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बच्चे छत्तीसगढ़ बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ ही इसका आंसर है, और इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेशनल पार्क हमने कल ही रात को करे हैं, ठीक है, रात को 10 बजे 21 सेशन में करे थे, तो आपके लिए ये आसान होनी चाहिए, ठीक है। बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रिया ऑप्शन में दे रखा है, ऑस्ट्रिया, बताइए आंसर क्या है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दे रखा है, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, वियना इसका आंसर है, ठीक है, वियना इसका आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, वियना इसका आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए, विच इज द वर्ल्ड हाइएस्ट बैटल फील्ड, सबसे ऊंचाई पे कौन सी इसमें से बैटल फील्ड है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है सियाचिन ग्लेशियर, इसका आंसर सियाचिन ग्लेशियर इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सर। ठीक है, ऑब्वियसली सियाचिन ग्लेशियर पे हमारा कोस्ट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस हाइट पे सब कुछ प्रोवाइड कराना, सेना के सदस्य प्रोवाइड कराना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता, हैवी कोस्ट है इसकी हम इंडिया के लिए। चलो लेकिन कोई नहीं, हाइट पे है तो हमें उससे होल्ड रखना पड़ेगा। बताइए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सी, बताइए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सी जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ गए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, शेयर करो जल्दी से, उसके बाद करंट अफेयर भी पढ़ना है, बाकी सभी क्लासेस हो रही है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है कैंपगन डेनमार्क में, कैंपगन डेनमार्क में है, मैंने बता रखा आपको सी इज इक्वल टू डेनमार्क, बता रखा मैंने आपको कि सी से संबंधित कुछ आता है तो वो 99% डेनमार्क ही आंसर होता है। 7 बजे वाईफाई स्टडी पर रात को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इन विच कंट्री का माउंट फ्यूजी सिचुएटेड, ठीक है, माउंट फ्यूजी किस कंट्री में सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, माउंट फ्यूजी किस कंट्री में सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है जापान, ठीक है, जापान इसका आंसर है ऑब्वियसली। और ये इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं तो मैं आपको बताऊं जापान से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है, सिंपल सी बात, टोक्यो ओलंपिक्स की वजह से जापान से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता, जैसे सवाल ये भी आ सकता है आपका कि जो टोक्यो है, टोक्यो है वो कौन से आइलैंड पे है, तो जापान में वो होनशु आइलैंड पे, ठीक है, होनशु आइलैंड पे है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, कौन सा सम्मान होता है, राइजिंग सन अवार्ड होता है जापान में, वो किसको मिला है, ये सब सवाल आपको बहुत मिले, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर क्या है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ सुरजीत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, फ्लड ऑफ फायर अगर मैं बात करूं तो इस किताब के ऑथर कौन है, जल्दी से बताइए, फ्लड ऑफ फायर जो है इस किताब के ऑथर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फ्लड ऑफ फायर की अगर मैं बात करूं तो अमिताभ घोष इसका आंसर होगा, ठीक है, अमिताभ घोष इसका आंसर होगा, ठीक है, अमिताभ घोष के द्वारा महत्वपूर्ण सवाल। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है और ये इजी है, ये क्वेश्चन गलत भी होता है कभी कभी, ठीक है, जल्दबाजी में, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इधर एक गोदावरी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, गोदावरी ऑप्शन में दे रखा है एक, तो चलो तो आंसर गोदावरी ही है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अगर आपसे साउथ की पूछा जाता है तो सबसे इजी क्वेश्चन में से एक गोदावरी इसका आंसर है, ठीक है, और गोदावरी के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आती है ये आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, चंदौली नेशनल पार्क, कल हम नेशनल पार्क कर रहे थे, सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन हमने यही किया था, बताइए चंदौली नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए चंदौली नेशनल पार्क जो है कौन से स्टेट में, ठीक है, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, चंदौली का आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र इसका आंसर होगा, मैंने आपको बता रखा है ना, ठीक है, तरीका क्या है याद रखने का, महाराष्ट्र, तो इजी है, ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। अंकिता बोरो ये किस खेल से संबंधित है, बताइए खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सोल्व करो, अभी बहुत सारी क्लासेस हैं, कल आपकी एक मैराथन है और वो मैराथन 8 बजे से लेके अच्छी खासे लेंथ तक चलने वाली है, फायदा होगा। बताइए अंकिता बोरो जो है किस खेल से संबंधित है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है बॉक्सिंग से, महत्वपूर्ण सवाल बॉक्सिंग से संबंधित है ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बीहू डांस कहाँ का है, बीहू सत्रिया और भी मैंने बहुत सारे आपको बता दिए हैं, तो बताइए बीहू कहाँ का डांस है, जल्दी से बताइए बीहू कहाँ का डांस। बताओ बीहू कहाँ का डांस है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, असम है। ये इजी क्वेश्चन है कि बिहू असम का डांस है, असम के फेमस डांस जो है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, विच बाउंड्री लाइन डिमार्केट नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, पढ़ा रखा है बाकी आपको बताना चाहिए ठीक है। एन के एस के, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है। कौन सी लाइन जो है डिमार्केट करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर 38 पैरेलल इसका आंसर ठीक है। 38 पैरेलल इसका आंसर, ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं सारे, मैंने आपको सारे लेबनान के बीच में, इसराइल के बीच में कौन सी है, जो यूएसए और कनाडा के बीच में 2 लाइन है वो कौन सी है ठीक है। इवन रशिया और फिनलैंड वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए ठीक है। ईरान और इराक के बीच में जो लाइन है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप एक बार रिवाइज करो जो पढ़ा रखा है ठीक है। ईरान और इराक के बीच में जो लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है, तो ये सब चीजें जरूर पढ़िएगा ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया, अब ये भी गलत होता कहीं होगा। देखिए अगर मैं राजस्ट केव टेम्पल की अगर बात करूं तो ये कैलाश टेम्पल है। इधर आप इसका आंसर देखो, अमरनाथ केव तो नहीं है कश्मीर वारा, ये भी नहीं है ठीक है। कैलाश टेम्पल जो एलोरा के हैं वो सबसे बड़े केव टेम्पल ठीक है, केव और टेम्पल दोनों है तभी ठीक है। चलिए ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल अमन सर वेलफेयर स्टडी सर्च कर लेना भाई, आपके लिए फ्री पीडीएफ और लिंक सारे इसमें अवेलेबल होते हैं ठीक है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एंटी टेररिज्म डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, जल्दी से बताओ। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21 मई इसका आंसर है ठीक है। 21 मई को जो है हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं, महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है आपसे। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है कहाँ पे, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये तो पता होगा, नेशनल पार्क तो अब आपके लिए आसान होने चाहिए कि कोई सा भी नेशनल पार्क आ जाए, आप आंसर दे दो ठीक है। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, नेशनल पार्क आपके गलत नहीं होने चाहिए, और जो हम करेंगे ना अभी टॉपिक वाइज हो रहा, अभी 11 AM पे एक टॉपिक वाइज के 2 टॉपिक रखे हैं, नए टॉपिक है देख लेना ठीक है। बताइए द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा सिचुएटेड है कहाँ पे, द ग्रेट गीजा के नाम से भी याद रख सकते हो कहाँ पे है, ये कौन सी लोकेशन पे सिचुएटेड है, जल्दी से देखिए द ग्रेट गीजा इज सिचुएटेड वेयर, बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो ग्रेट गीजा कहाँ पे सिचुएटेड है, मुश्किल थोड़ा सा ना क्वेश्चन, आंसर क्या है इजिप्ट में ठीक है।
गीजा हो, पिरामिड हो, ये सब चीजें इजिप्ट मिस्र देश में है। ये जौनपुर सिचुएटेड है कौन सी नदी किनारे? ठीक है, अब देखो यार, मैंने आपको बता रखा है पुर का गंगा होता है, अब ऑप्शन में दे नहीं रखा पहली बात। दूसरा आंसर क्या है? गोमती है। ठीक है, ज्यादातर पुर का जहां पे गंगा दिया होगा वहां पे आंसर हो। ठीक है, तो इसका आंसर है जौनपुर, एक्सेप्शनल है जिसमें गंगा दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो गोमती इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देख लेना, काम आएगी आपके 10 अगस्त की। चमेरा डैम कौन सी स्टेट पे लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चमेरा डैम कौन सी स्टेट पे? चमेरा। अब ये चमेरा मैंने आपको पढ़ा दिया, डैम भी पढ़ा दिया, लेकिन मैं आज आपको एक क्लास में डैम कराऊंगा। डैम कौन सी नदी पे है ये कराऊंगा आज मैं, एक क्लास में जरूर कराऊंगा। चलिए तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। चमेरा डैम कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा डैम भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, अलमाती डैम कौन सी नदी पे है? इसको डैम्स को मैं करवा दूंगा सारे। ठीक है, फिर आपके लिए आसान हो जाएंगे। अलमाती डैम कौन सी नदी पे, बताइए, सोल्व करिए आंसर है इस क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अलमाती डैम कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट एपिक एवर रिटन? ठीक है, बताइए लॉन्गेस्ट एपिक जो है, सबसे बड़ा जो लिखा गया है वो कौन सा? चलो दोस्तों आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? महाभारत है इसका आंसर। ठीक है, महाभारत ऑब्वियसली सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है जो लिखा गया है, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, महाभारत के बारे में सब जानते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये है अलमाती डैम, हो गया यार। ठीक है, बताइए गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? अब ये नाम देख के आंसर लगा रहे हो, बताओ। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे, जल्दी से बताओ। एक तो इसमें पंजाब दे रखा है, एक इसमें छत्तीसगढ़ दे रखा है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि कुछ बच्चे गुरु देखते ही पंजाब लगाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखाए हैं जहाँ पे गुरु का आंसर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें इस फॉर्मेट में पूछा आपसे। बताइए तिलक मैदान स्टेडियम कहाँ पे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेयर इज तिलक मैदान स्टेडियम? एक तो गोवा दे रखा है ऑप्शन में, एक तो गोवा ऑप्शन में दे रखा है, बाकी आप बताओ। ठीक है, जब गोवा ऑप्शन में दे रखा है, गोवा आंसर है। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ, जैसे हमने ये पहले हमारे दिमाग में ये आ गया तो यही आंसर है। ठीक है, दूसरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आज कईयों का पेपर भी होगा, तो बेस्ट ऑफ लुक। ठीक है, जितने बच्चे हैं तो बाकी बढ़िया तरीके से दो। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहाँ पे छत्रपति नाम आ गया वहां पे तो लोकेशन एक ही होगी, नो डाउट, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हो। बताइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है लोकेटेड है कौन सी स्टेट में? ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर के। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, तो मनीला में है। ठीक है, मनीला मीन्स फिलीपींस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, बताओ।
व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल एम्बलम क्या है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी ऑल नो वाटर लिलीज का आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए काकातिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे, काकातिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है काकातिया थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता आप सभी से। यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम, अभी मैं 10 बजे करंट अफेयर पढ़ाऊंगा अन अकेडमी पे, वो आप देख सकते हैं। नेशनल एम्बलम नीदरलैंड का कौन सा है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। नीदरलैंड का नेशनल एम्बलम बहुत से देशों के पढ़ने हैं। डियर, अब आपको पता तो चल ही चुका है कि वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में 9 बजे क्लास होती है, तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं। क्लास डेली होती है, क्लास 9 AM का लिंक नहीं आता है, लेकिन 9 AM की क्लास डेली होती है। ठीक है, चलिए आंसर इस क्वेश्चन का लोयन इसका आंसर है। ठीक है, लोयन इसका आंसर है। चलिए एक और, माचू पिचू मैंने लोकेशन बता रखा है कि एक साइट जो है बड़ी फेमस है, और ये किस कंट्री में है, बताइए किस कंट्री में ये साइट है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये साइट पेरू में है, पेरू इसमें ऑप्शन में दे रखा है, और पेरू इसका आंसर भी है। बताइए इस क्वेश्चन का, सिद्रा पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अब ये ना वैसे पोंग से याद होना चाहिए आंसर, लेकिन फिर भी बताओ सिद्रा पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक। बिल्कुल अमृत जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, पोंग से याद रखो बेटा, याद है वेस्ट बंगाल इसका आंसर है। ठीक है, सिद्रा पोंग जो है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता। ठीक है, भादला, बताइए भादला सोलर पार्क लोकेटेड है कौन सी स्टेट में। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है राजस्थान, राजस्थान इसका आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भादला सोलर पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में। एक और क्वेश्चन देखिए, एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, ये डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, मतलब डीआरडीओ के बहुत सारे भाग है, ऐसा नहीं डीआरडीओ से जस्ट सिंगल न्यू दिल्ली में है, डीआरडीओ के बहुत सारे भाग है। एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च एनालिसिस ग्रुप जो है डीआरडीओ का, ये कौन सी शहर में है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन। वी हैव ऑलमोस्ट डन ऑल द क्वेश्चन, अभी हम फिर 10 बजे पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, और वही रेगुलर टॉपिक टू टॉपिक भी चलेगा। ठीक है, तो एंड करते हैं, हैदराबाद इसका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन बताइए, कैरकस एंड बोलिवर इज द कैपिटल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से देश की करेंसी और कैपिटल है। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर वेनेजुएला है, याद रखना क्योंकि पेपर में आ सकता है। ओलंपिक में वेनेजुएला हमसे एक पायदान आगे चला गया था, तो कैरेक्टर्स और वॉलीवर क्वेश्चन आने के चांसेस। ठीक है, तो बेटा जो भी बच्चा देख रहा है, आपको टेलीग्राम चैनल सर्च करना है अवन सर वाईफाई स्टडी, और इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है। ठीक है, और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देखिए, 7 बजे लाइव क्लास जो होती है वाईफाई स्टडी पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। ठीक है, और आप फ्री क्लासेस अभी 10 बजे करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, वो पढ़ सकते हो। सिंपल सा तरीका है, जैसे आप प्लस कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो वो आप आज जुड़िएगा, क्योंकि कल से तो क्लास ही है 11 अगस्त से, आज जुड़िएगा जिसने भी जुड़ना है नए बैचेस में। लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए, मेरे हिसाब से 2 साल का ज्वाइन करें, सो डेट 1 साल फ्री मिले, आप ही का फायदा। 1 साल फ्री, 5,000 फीस होती है 1 साल की अगर देखा जाए तो, वो फ्री है आपके लिए, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और कॉम्बो में ज्वाइन करिएगा SSC रेलवे बैंक से, आपको CET में आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, SSC गोल सिलेक्ट करिए, क्वेश्चन क्लिक करिए, जब आप इधर रेफर कोड में लगाएंगे लाइव अमन, तो आपको सारे ऑफर ही अवेलेबल होंगे, मंथ सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, और फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए, ये आपका तरीका रहेगा। सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स आपको अवेलेबल होंगे, और सब कुछ ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं आपसे अपनी फ्री क्लास 10 AM पे करंट अफेयर। ठीक है,
आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देख सकते हैं फॉलो अमन सर अनअकैडमी, वहां से फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको आप सर्च करें, इसमें आपको लिंक्स पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल होता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।